18 और 19 को होने वाली आरक्षी नागरिक पुलिस और आरक्षी पीएससी की परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एनआईसी बिल्डिंग में चल रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडीजी दावा शेरपा, आईजी नीलाब्जा चौधरी, जिलाधिकारी के विजयेंद्रन पांडियन, एसएसपी शलभ माथुर, एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि गोरखपुर जिले में कुल 38 केंद्र बनाए गए जिसमें 4 शिफ्टों में परीक्षा होगी। एसएसपी शलभ माथुर ने बताया वो डाउनलोड नहीं कर पाते सर, जो उनका प्रवेश पत्र वगैरह, तो हम लोग एक सुविधा ये कर सकते हैं कि पुलिस लाइन और पुलिस ऑफिस में हम लोग काउंटर्स खोल सकते हैं कि वो कैंडिडेट अगर यहाँ पे 38 केंद्र हैं गोरखपुर जिले में और 4 शिफ्ट में परीक्षा होती है। सभी परीक्षा स्थल के जो मानक के हिसाब से अरेंजमेंट जो किए जा रहे हैं, आज एक बार जितनी भी और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित कर दिया गया है। ट्रैफिक को लेकर पब्लिक हम लोग को एम्प्लॉयमेंट्स करने जो और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी लगाने की कोशिश और उम्मीद है बहुत ही अच्छा ढंग से परिवर्तन होगा। कितने अभ्यर्थी होंगे सर? लगभग ये तो कह पाना मुश्किल होता है कि एक जिले से कितने, लगभग एक शिफ्ट में 22 से 23 हज़ार हमारे जिले में, 4 शिफ्ट हैं तो लगभग 80 से 90 हज़ार हमारे जिले दो दिन के अंदर परीक्षा देंगे।